क्षत्रिय महासभा विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना, क्षत्रिय समाज के जो अध्यक्ष हैं, हमारी उनसे आज भेंट हुई है। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कोरोना के चलते इस बार गलकुंडार में होने वाले महोत्सव पर हा ना की प्रतिक्रिया चल रही थी, तो इस संदर्भ में सबसे पहले बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, और मैं रमेश खंगार, राष्ट्रीय अध्यक्ष खंगार क्षत्रिय विकास संघ। सबसे पहले तो मैं अपने समाज बंधुओं को, सब समाज को हाथ जोड़कर नमस्कार बोलता हूँ। सब लोग जानते हैं, पूरी समाज देख रही है कि कल और आज में कितना फर्क है, और जो विकास हो रहा है वो 2 साल में कितना विकास हुआ है और कितना चल रहा है, जिस समाज आके 27, 28, 29 में देख लेगी कि कितना फर्क है। क्योंकि लोग बाग व्हाट्सअप फेसबुक पे बहुत से लोग हैं, चलाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जो करता है उसको वो दिखता नहीं है, जो कर रहा है वो उसको खुद ही नहीं दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सारे लोग समाज के सब समझने लगे कि कौन करता है कौन नहीं करता है। क्यों मैं बताते हैं कि विकास बोलता है, ऐसे ही हमारा विकास संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास बोल रहा है। और मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, समाज भाइयों से, कि ऐसे में सब लोग सहयोग करें। कोई पार्टी समाज में नहीं होना चाहिए, और समाज में जब तक हमारा एकता नहीं होगा तब तक हम या कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे लोग सब एक होकर काम करें तो ज़्यादा ही आनंद आएगा। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी भ्रम की स्थिति है कि कार्यक्रम जो हमारा जयंती होती है क्षत्रिय समाज की, होगी या नहीं होगी, तो उस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, जयंती तो होगी और जयंती की हमारी पूरी तैयारी है। अब माननीय हमारे जो संरक्षक मलखान सिंह दत्ता जो हैं, वो हमारी उनसे लगातार बात चल रही है, और माननीय जी से मैंने कहा भी था कि दत्ता जी, आप भोपाल में हो तो आपका फर्ज है कि आप किसी प्रकार से मंत्री या मुख्यमंत्री से आप जो है वहाँ से परमिशन लें। तो दत्ता हमारे उषा ठाकुर जो है संस्कृत मंत्री, उनके पास गए और उनने एक दिन का दत्ता जी को टाइम दिया, एक दिन का लेटर पेड पर लिख के दिया कि एक दिन हम महोत्सव मनाएंगे। बाकी हम लोग सब सक्षम हैं, हमारी समाज सक्षम है। अब बीच में पता चल गया कि कोई दूसरी पार्टी भी पहुंच गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे सम्मानीय दद्दा जी गए थे तो दद्दा जी हमारे लिए काफ़ी थे, क्योंकि वो समाज के ही तो हैं। मैं नहीं चाहता कि दद्दा जी के पीछे मैं जाऊँ, मेरे पीछे आप जाओ, आपके पीछे ये जाए। इससे समाज में जो है विघटन पैदा होती है, और दूसरे लोग भी समझते हैं कि जहाँ तक समाज में एकता नहीं है, तो मैं जहाँ तक मेरा अंदाज है कि नहीं जाना चाहिए, जबकि मुझे जाना चाहिए था। और मेरी दद्दा से बराबर बात चली, दद्दा चलेगा तो मैं चला गया हूँ, उसमें मुझे कुछ नहीं है। दद्दा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और दद्दा बुद्धिजीवी भी है हमारे, सम्मानीय भी है। बाकी जो लोग ये गदर कर रहे हैं, ये बरसात में आपने सुना होगा कि बरसाती मैडम तो सुना ही है आपने कि तब बरसात होती तब टाए 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 करते, बाकी फिर बंद हो जाते। तो ये बरसाती मैडम जितने उछक रहे हैं, जो केवल 1 दिसंबर तक के है, बस दिसंबर बाद ढूंढने नहीं मिलेंगे, कहाँ चले गए जी। तो जब इस बार कार्यक्रम होगा तो जो गवर्नमेंट से दिशा निर्देश हैं, विशेष नियम के तहत ही ये कार्यक्रम होगा, तो उसमें क्या गाइडलाइन है, कुछ इसकी जानकारी मिली आपको? देखिए, गाइडलाइन तो आज मैं जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल कलेक्टर साहब के पास मिलेंगे हम, जहाँ तक है दद्दा जी मेरे साथ जाएंगे, और गाइडलाइन पे जो जैसा नियम होगा, जैसा हमारे माननीय कलेक्टर साहब बताएंगे, उसी के अनुसार हम चलेंगे। जैसे जैसे वो हमें दिशा निर्देश करेंगे उस पर हम चलेंगे। जी जी जी। तो क्षत्रिय बंधु, आपको जानकर खुशी होगी इस बार कार्यक्रम हो रहा है और हर्षोल्लास के साथ होगा। हाँ, जरूरी जो गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क का यूज करते हुए, और जितना हो सके बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें, उन सब के तहत पूरा कार्यक्रम होगा और जोरदार होगा। कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जोश और उत्साह में कोरोना के चलते जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं उनका जरूर पालन होगा। हम नन्ना जी के साथ में हैं फिलहाल, और इनके साथ में गलकुंडार अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर, और वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार धरातल पर रमेश खंगार नन्ना जी ने कार्य किया हुआ है। हालांकि देखिए, लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और
आसमान पे बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन धरातल पर बातें बहुत कम होती हैं। आज हम नन्ना जी से मिले हैं कि धरातल पे जो कार्य हुए हैं, विकास हुआ है, वो किस प्रकार हुआ है, जो हमारी गजानन मैया का मंदिर है, धाम है, वहां पर किस प्रकार कार्य चल रहा है, तो ये सब हम उनसे जानेंगे। स्वयं नन्ना जी के साथ में हम लोग वहां पहुंच रहे हैं।